प्रयागराज की सड़कों का नॉर्मलाइजेशन करने में जुटी पुलिस। छात्रों की परीक्षा की मांग को जूते की नोक पर रखते हुए सादी वर्दी में पुलिस वालों ने धरना दे रहे छात्र छात्राओं को जबरिया खींचकर हटाना शुरू कर दिया। लड़कियों के लिए महिला पुलिस इस वीडियो में कहीं नहीं दिखेगी आपको। वहीं इस मामले को लेकर प्रयागराज के डीसीपी सिटी ने कहा, यूपीपीएससी के बाहर छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, उन्हीं के बीच कुछ अराजक तत्व घुस गए, वो छात्रों को भड़का रहे थे, उन्हें डिटेन किया है। किसी भी महिला को डिटेन नहीं किया है, अराजक तत्वों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को छात्रों का यहाँ पे शांतिपूर्वक एक आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के समक्ष। वहाँ पे कुछ 50-60 की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वहाँ पे उसमें घुसे और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र प्रतियोगी छात्र छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे महिला फोर्स मौजूद है और सभी से शांतिपूर्वक वार्ता की जा रही है, लेकिन जो भी अराजक तत्व छात्रों के बीच में आके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में हम लोग नियमानुसार विधिक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अभी भी आक्रोश आसप मिले गए उनको लेकर आक्रोश है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पुलिस क्या जी, यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा आप देख रहे हैं, इन सब भीड़ से यही अनुरोध किया जा रहा है कि जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे जाके अपना पीसफुल धरना जो है वो जो है संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएं और यहाँ पे जो रास्ता ब्लॉक किए हैं वो ना करें। यही इन लोगों से शांतिपूर्वक सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है। तो आज लगभग कितने लोग? अभी 3-4 लोगों को हम लोगों ने कस्टडी में लिया है, सभी के विरुद्ध जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।